देहरादून में हुई भाजपा की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब पार्टी ने एक वर्ग तक के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि लोकसभा में पांचों सीटों को जीतने के बाद बूथ स्तर तक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी संगठन में लंबे समय रुके हुए चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए जल्द ही कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। जल्द ही भाजपा में मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव होने हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाएगा और आगामी महीनों में जल्द ही भाजपा संगठन के चुनाव हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक देहरादून में सम्पन्न हुई, जिसमें हमारे करीब 1350 प्रदेश के पदाधिकारी और मंडलों तक के मंडल अध्यक्ष हमारे उसमें शामिल हुए और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से उसमें चर्चा की गई और आगे के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने तय किए गए हैं। और पहले, सबसे पहला जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अभी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम मतदाता है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर तक कार्यक्रम चलाए जाने हैं। इसके साथ ही अभी आगामी, क्योंकि हमारे सदस्यता अभियान का भी अभियान चलाया जाएगा, इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया संगठन की शुरू होने जा रही है जो अगस्त में शुरू होगी, उसके लिए हमारे बूथ स्तर की जो हमारी चुनाव, बूथ अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, बूथ समितियां बनती हैं, उसके बाद मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चुनाव होता है, फिर प्रदेश का चुनाव, फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। ये सब प्रक्रिया अभी आगामी महीनों में होने वाली है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।